माय नेम इज पटेल मनीषा। मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर हमने ईदगाह जो कहानी है वो बहुत देख ली है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा जाए कि ईदगाह कहानी का साहित्य प्रकार कौन सा है, तो ईदगाह का साहित्य प्रकार कौन सा है, कहानी है। और उनके लेखक कौन है, तो उनके लेखक है प्रेमचंद। यहाँ पर कहा जाए कि सब लोग गांव के लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जाए कि हामिद के पास कितने पैसे हैं, तो हामिद के पास 3 पैसे है। उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न की जो हमने कहानी देखते हुए चर्चा की थी, तो वो सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और उसके पहले जो मैंने मुहावरे और शब्दार्थ जो लिखवाए थे वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी थी कि आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, यानी कोई भी ऋतु हो तो उनका जो चिंता है वो खराब होने वाला नहीं था। आगे हम कहानी देखेंगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। यहाँ पर चिमटे के बारे में जब हामिद ने बताया तो सब लोग चिमटे से मोहित होने लगे, और उनको भी ऐसा लगा कि हमने जो खिलौने लिए हैं उसकी जगह अगर हमने भी चिमटा लिया होता तो अच्छा था। लेकिन अब फिर मेले में वापस जाना संभव नहीं था, क्योंकि वो मेले से बहुत दूर यानी गांव की तरफ आ गए थे। इसलिए अगर बड़ों से कहा जाए तो भी बड़े उनको चिमटा लेकर देने वाले नहीं थे, क्योंकि जितने भी पैसे वो लेकर ईदगाह मेले में गए थे तो वहां पर उन्होंने सारे पैसे खत्म कर दिए थे, इसलिए अब किसी के पास पैसा नहीं बचा था। चिमटे ने सभी को औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए, यानी सभी लोगों ने कितने सारे पैसे, तीन तीन चार चार पैसे खिलौने में ही उन लोगों ने खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। यहाँ पर मुहावरा होता है रंग जमा लिया। रंग जमा लिया का अर्थ होता है प्रभावित करना। कहा गया कहानी में कि हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, यानी उसने 3 पैसे में चिमटा खरीदा और सबके खिलौनों के आगे सबको सबके सामने चिमटे को प्रभावित कर दिया, यानी ऐसा प्रभाव डाला कि सब लोगों को चिमटा पसंद आ गया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। यानी जो खिलौने होते हैं वो मिट्टी के होते हैं या कुछ ऐसी चीजों से बने हुए होते हैं जिससे वो चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन जो चिमटा था वो लोहे से बना हुआ था, यानी उसे बरसों तक कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि हामिद ने प्रशंसा करते वक्त भी कहा था कि उसका जो चिमटा है वो आग पानी तूफान में भी उसे कुछ होने वाला नहीं है। मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारी किश्ती लेकर देखो। यहाँ पर मौसी को चिमटा पसंद आया तो उसने कहा कि थोड़े देर के लिए तुम्हारा चिमटा हमें दे दो, और जो खिलौना हमने लिया है जो किश्ती वो तुम लेकर उससे खेलो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी जिन लोगों ने जब खिलौने खरीदे थे तब वो लोग ये कह रहे थे कि हामिद खिलौने नहीं खरीद रहा और उसके पास जो पैसे है वो बचा कर रखे हैं, तो इस तरह तब वो हामिद के बारे में ये सब बातें करते थे। लेकिन जब हामिद ने चिमटा खरीदा तब वो चिमटे के साथ खेलने के लिए चिमटे के बदले वो अपने जो खिलौने उन्होंने लिए थे 3-4 पैसों में वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, यानी हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनका जो चिमटा था वो खराब होने वाला नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। यहाँ पर हामिद ने जो चिमटा खरीदा था उसने 3 पैसे के एक चिमटे में उसने सारे खिलौने
जो है उन सारे खिलौने से खेल लिया, यानी क्योंकि उसके जो दोस्त थे जिन्होंने अलग अलग खिलौने खरीदे थे वो बारी बारी चिमटा के बदले में वह हामिद को अपना खिलौना देते थे और सामने से चिमटा लेते थे। तो इस तरह से हामिद के हाथ में जब खिलौने आते हैं तो हामिद उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। यहाँ पर रास्ते में महमूद को भूख लगती है तो उसके पिता ने क्या दिए थे, क्योंकि उन्होंने मेले में से जो केले लिए थे उसमें से उन्होंने केले दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। यहाँ पर महमूद ने किसको अपना साथी बनाया, सिर्फ हामिद को, क्योंकि किसका प्रभाव था, चिमटे का प्रभाव था। चिमटे के कारण महमूद ने हामिद को अपना मित्र बताया और उसने अन्य मित्र उसके अन्य मित्र मुंह दागते रह गए, यह चिमटे का प्रभाव था। मुंह दागते रहना मुहावरा है, मुंह दागते रहना उसका अर्थ होता है चकित हो जाना। यहाँ पर सब लोग चकित हो जाते हैं क्योंकि महमूद ने इसे केला दिया था तो हामिद को दिया था, वो किसके कारण, तो वह चिमटे से प्रभावित हो गया था। तो यहाँ पर चिमटे से प्रभावित होकर उसने हामिद को केला दिया, क्योंकि ये वही मित्र था जब वो मिठाइयाँ खरीद रहे थे, अकेले अकेले मिठाइयाँ खा रहे थे और उस वक्त उन्होंने हामिद को नहीं दी थी। 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसने हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। यहाँ पर अर्थ है शब्दार्थ का सुर लोग, यानी अर्थ होता है स्वर। मुहावरा भी बनता है कि सुर लोग सिधारना, का मतलब होता है मर जाना। यहाँ पर मौसी की जो छोटी बहन है, जैसे ही गांव में सब लोग मेले से वापस आते हैं तब उनकी जो घर वाले थे वो सब लोग उनके सामने उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मौसी की छोटी बहन है वो अपने भाई को मिलने के लिए दौड़कर आती है और उसके हाथ में जो बिस्ती जो खिलौना था उसे लेकर उछलती है और उसे हाथों से उछालती है तो वो सीधा नीचे आकर गिरता है। यहाँ पर बिस्ती का जो खिलौना था वो मिट्टी का खिलौना था, तो यहाँ पर जो मिट्टी के खिलौने के नीचे गिरने से वो चकनाचूर हो जाता है। तो यहाँ शब्दार्थ सुरलोक पधारना यानी स्वर्ग पधारना, क्योंकि जो खिलौना था वो माटी का था और वहां पर गिरने से वो नष्ट हो जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय था, यानी यहाँ पर जो खिलौने लाए थे उस खिलौने के अंत किस तरह से होते उसके बारे में बताया गया है, यानी मियाँ नूरे वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, क्योंकि जो हम जानते हैं कि कोर्ट के अंदर जो वकील होते हैं वो जमीन पर नहीं बैठते, उनकी कुछ मर्यादा होती है, उनके बैठने की जो जगह होती है उसका भी विचार करना पड़ता है। दीवार में 2 खुंटियां गाड़ गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। यहाँ पर मुरे ने क्यों वकील खरीदा था तो वह सोचती थी कि वकील को वो नीचे तो नहीं रख सकती, क्योंकि वकील का जो हुद्दा होता है उसके अनुसार उनको बैठने की जगह देनी चाहिए। तो उसने ऐसा किया कि दीवार में 2 कील डाल दी और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख दिया और उस पर कागज बिछा दिया और उस पर उसने वकील को रख दिया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्रिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। यहाँ पर नूरे सोचती है कि जहाँ पर वकील साहब कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर
अदालत के अंदर जो जाते हैं तो अदालत में पंखे होते हैं, बिजली के पंखे होते हैं, खास के जो पंखे होते हैं, तो उस पंखों यहाँ पर सादा पंखा भी उन्हें हमें देना चाहिए। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। यहाँ पर नूरे ने कौन सा, बांस का पंखा, आपको पता है जो हाथ से हिलाने वाले जो पंखे होते हैं, हमारे घर में भी होगा कि बांस की पट्टियों से बना हुआ पंखा होता है, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यहाँ पर कहा गया है कि जब पंखे से नूरे हवा लगा रही थी वकील साहब से हवा, तब पंखे की चपेट से वकील साहब स्वर्ग से सीधे कहाँ से आ गए, मृत्यु लोक में आ गिरे। यहाँ पर माटी का चोला माटी में मिलना मुहावरा है, माटी का चोला माटी में मिलना, तो उसका अर्थ होता है कि नष्ट होना, नष्ट हो जाना। यहां पर शब्द का अर्थ भी बनता है चोला यानी शरीर। जो वकील साहब का शरीर था वो किस चीज का था, माटी का था, तो यहाँ पर मुहावरा बनता है कि माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी मिट्टी से बना हुआ खिलौना है वो मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। यहाँ पर मातम यानी शोक मनाया गया, शब्दार्थ होता है मातम शोक। दूसरा है कि अस्थियां तो हड्डियां, अस्थियां का अर्थ होगा हड्डियां। दूरा, यहां पर दूरे कहा है लेकिन दूरा का अर्थ होता है कूड़े, करकट का ढेर यानी जो कचरे का ढेर होता है उसमें जो माटी, जो वकील साहब की जो मिट्टी थी जो टूट गई थी उसे उसमें डाली जाती है। यहाँ पर अब मियां हामिद का हाल सुनिए, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। यानी यहाँ पर बारीक बारीक जितने मित्र थे उनकी बात कही गई कि जो वो खिलौने लाए थे और उनके साथ उनके खिलौने के साथ क्या हुआ उसके बारे में हमने देखा। अब मियां हामिद का हाल सुनिए यानी अब हामिद की बात कही गई है। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके साथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से लाया। यानी यहाँ पर दादी अमीना हामिद को अपनी गोदी में उठाकर प्यार करने लगती है लेकिन सहसा यानी अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी अमीना चौंक जाती है कि ये तुम चिमटा कहाँ से उठाकर ले आए। मैंने मोल लिया है, मोल लेना यानी भाव ताल करना कि मैंने पैसे देकर ये चिमटा खरीदा है। कै पैसे में, कै यानी कितने, शब्द का अर्थ होता है कै यानी कितने में। तीन पैसे दिए, यहाँ पर अमीना पूछती है कि कितने पैसे में तुमने चिमटा खरीदा, तो यहाँ पर हामिद कहता है कि मैंने तीन पैसे में चिमटा खरीदा। अमीना ने छाती पीट ली, मुहावरा है छाती पीट लेना, उसका अर्थ होता है दुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना। यहाँ पर अमीना दुख प्रकट करती है, यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ का अर्थ होता है बेसमझ यानी मूर्ख। यहाँ पर दादी अमीना कहती है कि ये कैसा मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली,
जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यानी दादी अमीना को इस बात का दुख था कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। सुबह से लेकर दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया और कुछ पिया नहीं था, क्योंकि जितने पैसे थे उतने पैसे में उसने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। यानी हामिद ने अपराधी भाव से जब बहुत बड़ा अपराध किया हो, इस तरह से वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया, क्योंकि दादी अमीना जब भी रोटियां बनाती थी तब तवे से रोटियां उतारने के लिए, सेकने के लिए उनकी उंगलियां जल जाती थी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी जैसे ही उसे पता चला कि हामिद ने अपने बारे में न सोचते हुए उसने अपनी दादी यानी अमीना के बारे में सोचा, यह बात सुनते ही उसका जो क्रोध था वो तुरंत प्रेम में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी इतने छोटे बच्चे के अंदर ये सारी बातें होना बहुत अलग बात है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि दूसरे के बारे में सोचे। अगर किसी भी बच्चे को मेले में लेकर जाकर कहा जाए कि तुम्हें किसके लिए कुछ खरीदना है तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा। यहाँ पर हामिद एक ऐसा लड़का था कि उसने अपनी दादी अमीना के बारे में सोचा, उसके अंदर त्याग यानी अपनी इच्छाओं का त्याग करने की भावना थी, उसके सद्भाव यानी बहुत अच्छे विचार थे, और विवेक यानी उसके अंदर दूसरों के लिए भावनाएं थी। दूसरों को खिलौने लेते हुए और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ पर दादी अमीना जो है वो सोचती है कि जो मेरा बेटा है वो जब सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ लेते होंगे तब इसका दिल कितना ललचाया होगा खिलौने लेने के लिए। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, जब्त यानी संयम कहा जाता है कि इससे इतना संयम किस तरह से हुआ। जब यानी संयम। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यहाँ पर दादी अमीना है वो गदगद हो जाती है यानी खुश हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, गदगद हो जाती है यानी भाव विभोर हो जाती है, वो रोने लगी और दामन फैलाकर, दामन का अर्थ होता है आंचल, आंचल फैलाकर वह दुआएं देती है और उसके आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते थे। यहाँ पर दादी अमीना और हामिद के बीच का जो प्रेम है वो प्रकट होता है। यहाँ पर जो हामिद है वो अपनी दादी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर जो कहानी हमने देखी वो कहानी ईदगाह कहानी यहाँ पर जो पूर्ण होती है, और उसके बाद जो स्वाध्याय का परिचय देना है और वो स्वाध्याय पोथी की जो पीडीएफ है वो हम आपको भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।